हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट इंटरव्यू लेकर आते हैं, जिसमें हम सेक्शन को और एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और मोटिवेट करता है वीडियोस और अच्छे से बनाने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक हम दो वीडियो इस सीरीज़ पर बना चुके हैं, उसको मैं एक बारी फास्टली आपके साथ रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें कि हमने पहले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हिंदू मैरिज की बात करता है, चैप्टर नंबर 2 था। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 6 चैप्टर्स हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कंडीशन कहाँ पर डिफाइन की गई है, सेक्शन नंबर 5 के अंदर। इन सभी में से कौन सी कंडीशन नहीं है हिंदू मैरिज की, तो सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। उसके बाद हमने ये एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्टेटमेंट के अनुसार ये बताना था कि ये किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर दी गई है। उसके बाद हमने सेक्शन 5 को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें कि कंडीशंस की बात की गई है कि कौन कौन सी कंडीशन इम्पोर्टेंट है जो जब हम हिंदू लोग के अंदर मैरिज करते हैं या हिंदू विवाह हमारा संपन्न होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेरेमनीज को किस चैप्टर में बात की गई है, हिंदू मैरिज के अंदर सेरेमनीज की किस चैप्टर में बात की गई है, चैप्टर 2 में। उसके बाद सप्तपति का क्या मतलब होता है सेक्शन 7 के अनुसार। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, वो है हमारी सेक्शन नंबर 8। उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में एक मिस्टेक कर दी थी, जो कि मैंने अभी इसको करेक्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पर 25,000 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 25 रुपीज़ है, इसको आपको एक बारी ध्यान रखना है। अगर किसी भी स्टूडेंट जो प्रीवियस वीडियो जिसने देखी है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर है जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट और जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। तो चैप्टर नंबर 2 है, 2 है या 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 जो है इससे डील हमारा करता है। उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 7 को डिटेल में डिस्कस किया था, और अब हम चलते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ल्ड मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो कौन सा सेक्शन है जो डील करता है, इसमें हम सभी सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन नंबर 8 किस बारे में बात करता है, 9 किस बारे में बात करता है। जब हम 8 की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन की बात की गई है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। जब हम 9 की बात करते हैं, तो ये कॉन्जुगल राइट के रेस्टिट्यूशन की बात करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। जब हम 10 की बात करते हैं, तो ये जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। और जब हम सेक्शन नंबर 11 की बात करते हैं, तो ये बात करता है वर्ल्ड मैरिज के बारे में। तो इसका सही जवाब कौन सा है, हमारा 4th ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। हु कैन फाइल द पिटीशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू टेक द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। कॉन्जुगल राइट के बारे में सेक्शन नंबर 9 के अंदर आप सभी ने पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 9 में इसकी बात की गई है। अब कौन फाइल कर सकता है, क्या केवल हस्बैंड फाइल कर सकता है, वाइफ फाइल कर सकती है, या दोनों फाइल कर सकते हैं, या कोई भी नहीं फाइल कर सकता। तो हम जब सेक्शन नंबर 9 को डिटेल में समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दोनों फाइल कर सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 9। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि डिवोर्स का कौन सा सेक्शन है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए जो लॉ का स्टूडेंट है। सेक्शन नंबर 11 किससे डील करता है, सेक्शन नंबर 11 हमारा वर्ल्ड मैरिज से डील करता है। सेक्शन नंबर 12 वर्डेबल मैरिज से डील करता है। सेक्शन नंबर 13 डिवोर्स से डील करता है। सेक्शन नंबर 13A ये भी डिवोर्स से डील करता है।
लेकिन यहाँ पर बात की गई है डिवोर्स में जो रिलीफ में परिवर्तन किया जाना है उसके प्रोसीजर की बात की गई है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर 13 कैपिटल A में, लेकिन डिवोर्स से रिलेटेड हमारा सेक्शन है सेक्शन 13। तो यहाँ पर इस तरीके से एक 13B भी है जिसमें कि म्यूचुअल डिवोर्स की बात की गई है, वो भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड टू टेक द डिवोर्स फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, अगर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो किस ग्राउंड पर ले सकते हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला ऑप्शन है क्रुएलिटी, दूसरा है डिजर्शन, तीसरा है मेंटल डिसऑर्डर और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबो। इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, पढ़ने से ही पता चल रहा है। क्रुएलिटी किसी के साथ मारपीट कर रहा है, डिजर्शन काफी लंबे समय से उनके साथ नहीं रह रहा है, मेंटल डिसऑर्डर उसको दिमागी बीमारी है जिस कारण से वो दूसरा स्पाउस उसके साथ नहीं रह सकता। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी सेक्शन है जो डील करती है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। मैंने अभी बताया था जुडिशियल सेपरेशन के संबंध में कौन सा सेक्शन है, आई होप आप सभी ध्यान से सुन रहे होंगे। तो जब भी आप मेरी इस वीडियो को देखें तो साइलेंट जगह पर बैठ जाइए, केवल सुनते रहिए, आपकी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होती रहेगी हमारी इस वीडियो के माध्यम से। तो सेक्शन नंबर 9 आपको अब याद हो गया होगा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स रिलेटेड कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9 है। सेक्शन नंबर 10 किस बारे में बात करती है, जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकेंड ऑप्शन। सेक्शन नंबर 11 बात करती है वॉइड मैरिज के बारे में। सेक्शन नंबर 13 बात करती है डिवोर्स के बारे में। तो हमने MCQ तो डिस्कस कर लिए हैं, अब हम चलते हैं हमारी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में जो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेक्शन नंबर 8 जो बात करती है रजिस्ट्रेशन के बारे में कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसको सिंपली समझ लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक प्रूफ हमें देता है। जब भी हम अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो एक प्रूफ के रूप में, एक एविडेंस के रूप में, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं कोर्ट के अंदर। फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ ए हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक ए रूल, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी इसके संबंध में। फॉर प्रोवाइडिंग दैट द पार्टी ऑफ एनी सच मैरिज हैव देयर पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू देयर मैरिज इंटर्ड इन सच मैनर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड कीप फॉर दैट पर्पज। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके के रूल बनाएगी जिसमें कि हिंदू मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए वो सारे स्टेप जो है लेंगे, और ये हिंदू मैरिज एक तरीके से हमारे लिए प्रूफ के रूप में काम करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज एन ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपेंडिएट टू डू सो, यानी कि ऐसा रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, एंड प्रोवाइड द इंटर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर रेफर इन सबसेक्शन 1। तो जो सबसेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रूल एंड रेगुलेशन बताए हैं कि इस तरीके से आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उन स्टेप को फॉलो किया जाएगा, एंड शैल बी कंपल्सरी इन दैट इन द स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ। अगर कहीं पर किसी स्टेट ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है कि इस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है, अदरवाइज आप किसी भी तरह की लीगल रेमेडी नहीं ले पाएंगे। वेदर ऑल केसेज और इन सच केसेज एज मे बी स्पेसिफाई वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन इशू एनी पर्सन कॉन्ट्ररी एनी रूल मेड बी इन दैट बिहाव शैल बी पनिश विद ए फाइन विच मे बी एक्सटेंड टू 25 रुपीज। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस स्टेट के अंदर यह मैंडेटरी कर दिया गया है, आपने रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, नहीं करवा रहे हो, उस रूल को अनफॉलो कर रहे हो, तो ऐसे में पनिशमेंट का प्रावधान है जो कि 25 रुपये तक की पनिशमेंट एज ए फाइन आपसे ली जा सकती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल रूल मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेशन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दे आर मेड, यानी कि जितनी जल्दी उसको बनाया जाएगा उतनी जल्दी उसको जो है इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड सेल
एट ऑल रीजनेबल टाइम टू बी ओपन टू इंस्पेक्शन एंड शैल बी एडमिसेबल एज एन एविडेंस। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था कि अगर मैरिज का आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो प्रूफ के रूप में इस्तेमाल होगा एज एन एविडेंस, वो एडमिसेबल होगा कोर्ट के अंदर। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट कोई ऑन रिकॉर्ड दी जाती है और इस तरीके के जहाँ पर मैरिज की जाती है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज का, उस जगहों को इंस्पेक्ट भी किया जाएगा रीजनेबल समय के अंदर, ताकि और जो भी इस तरीके के रजिस्ट्रेशन में फीस होगी वो फीस भी आपसे ली जाएगी, जो एप्लीकेशन आप लगा के फीस आपको यहाँ पर देनी होगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, द वैलिडिटी ऑफ द हिंदू मैरिज शैल बी इन नो वे टू बी इफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री, यानी कि ये किसी भी तरीके से दूसरे के लिए इफेक्ट नहीं करेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई है। हिंदी में मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन कर दी है, इसको आप एक बारी रीड कर लीजिएगा। तो इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में आती रहेगी और आप धीरे धीरे करके इन वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी ले पाएंगे। अगर आपको किसी और विषय पर चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।